कबीर साहब कह रहे हैं, एक अनुभव होता है हदों में चलने का, शरीर और समाज ने जो सीमाएं निर्धारित कर दी उनके भीतर चलने का। फिर इसी अनुभव को आधार बनाकर एक व्यक्ति कहता है ये नहीं चलेगा, मुझे इसके पार जाना है, वो साधु हो गया। पर उसने भी आधार सीमा को ही बनाया, उसे सीमाएं नहीं पसंद थीं, तो वो सीमाओं का अतिक्रमण कर गया, फांद गया। और फिर कह रहे हैं कबीर साहब कि मानव होता है, साधु होता है, और फिर कबीर होता है। जो न सीमा के अंदर है न सीमा के बाहर है, वो सीमा से अनभिज्ञ है, वो सीमा से अछूता है। जो सीमा के अंदर है उसने भी अपने आप को किसके संदर्भ में परिभाषित किया? सीमा के। उससे तुम पूछो तुम कहाँ हो, तो कहेगा मैं सीमा के अंदर हूं। तो उसकी पहचान के केंद्र में क्या बैठी है? जो सीमा के बाहर है उससे पूछो तुम कहाँ हो तो क्या बोलेगा? तो उसकी भी पहचान के केंद्र में क्या बैठी है। और फिर होते हैं कबीर साहब जो कहते हैं हद बेहद दोनों तजे, न सीमा के अंदर है न सीमा के बाहर है, सीमा से कोई लेना ही देना नहीं। सीमा कौन, किसकी, कहां?